गुड मॉर्निंग, ऑल इंडिया रेडियो और आज सवाल के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो एक ही न्यूज़ है जो इम्पोर्टेंट, एक भी नहीं है सॉरी। नेक्स्ट द बिग पिक्चर के अंदर वैक्सीनेशन के बारे में बात की गई है और नेक्स्ट द बिग पिक्चर के अंदर एक्सेसिबल एफोर्डेबल जस्टिस सिस्टम के बारे में बात की गई है, तो डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो है हमारे पास वो वैक्सीनेशन के बारे में। वैक्सीनेशन का क्या है कि दूसरा चरण स्टार्ट हुआ है। देखो तो ही बात होती है, वजह क्या होता है, वैक्सीनेशन क्यों दिया जाता है। पहला, मरने वालों की संख्या कम हो जाए, डेथ रेशियो कम हो जाए। दूसरा, जो कॉन्टैक्ट पर्सन टू पर्सन होता है उसको कम किया जाए, मतलब ट्रांसमिशन को रोका जाए। अब देखो बुज़ुर्गों को सीवियर चांसेस होता है, बीमारी कम हो रही है, लोग इस तरह की सोच बना रहे हैं तो क्या ज़रूरत है लगाने का। अब देखो क्या है कि अगर आप बोट पे हो और बोट पे जो है सो सामने कोई लहर आ रही है और कैप्टन बोलता है कि आप लाइफ जैकेट बांध लीजिए क्योंकि अब जहाज़ डूबने वाला है, तो कुछ लोग कहेंगे नहीं यार, मतलब असमंजस नहीं, आपको प्रिकॉशंस तो लेना पड़ेगा। तो यही सारे, और वैक्सीनेशन के बाद 70% चांसेस कम हो जाते हैं फिर से डिजीज होने के। तो ये बातें इसके अंदर। दूसरा, एक्सेसिबल सिस्टम के बारे में, जुडिशियल के बारे में। देखो 4 करोड़ के आसपास जो है सुपेंडेंसी है, जुडिशियल अपॉइंटमेंट नहीं होता है, एड्रेस जुडिशियल वैकेंसी, इसको वैकेंसी, देखो बेनिफिट्स की बात करेंगे, वैकेंसी की ज़रूरत है, यही कमियां भी है, वही भी मतलब सजेशंस भी है। क्वालिटी ऑफ जस्टिस अट्रैक्टिंग बेस्ट टैलेंट्स को लाना होगा, आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ाना होगा। कंसर्न जो है स्टेट कंसर्न देयर राइट टू रिक्रूटमेंट, मतलब रिक्रूटमेंट सही से नहीं होता है। यूनिफॉर्म नेशनल लॉ में निगलेक्ट किया जा रहा है। प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेजेज, हालांकि 6 भाषा में जो है सो बातें हो रही हैं, दी जा रही हैं, जो अनुवाद हो रहा है। अब देखो वकील की थिंकिंग को भी बदलना होगा, जो लॉयर होते हैं छोटे छोटे वार्ड पंचायत को भी थोड़ा थोड़ा पावर दे करके ऐसे एसेंस हैं आप यूज़ कर सकते हो। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।